तो ये 1 किलो का एक है, तो ऐसा हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हुजारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बस मैं नहा के जस्ट आई हूँ, इसलिए मैंने ऐसा दुपट्टा कवर कर रखी हूँ, बाल ढक के रखी हूँ, मतलब सूखने के लिए। और अभी ठंड अच्छी खासी, मतलब मैं इतना दोपहर के बाद, मतलब अभी 2 बजे के बाद का टाइम है, ये अभी 2 या 2:30 ऐसा कुछ बजे हो गए, मैंने इतना देखी नहीं। धूप निकली है तब मैंने नहाने गई थी, और भी गर्म पानी से नहाई हूँ, फिर भी निकलने के बाद इतनी बेकार वाली ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा ही है। और अभी पीछे देखो गाइस, एक सेकेंड, यहाँ से धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से मैंने ना कैमरे को थोड़ा एक फोकस करके रखी हूँ, ये देखो ऐसा करके, है ना। अभी उसको देखो, वो लगा हुआ है। और ओके, तो अभी वो मस्त में खेल रहा है, इसलिए मैंने सोची चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करने वाली हूँ, मतलब पूरा ये प्रॉपर ब्लॉग नहीं, वीडियो होने वाली है, और वो होने वाला है ये जैगरी पे, गुड़ पे। तो हम लोग है ना हर साल ठंड में, मतलब गुड़ लाते हैं, वो ऑर्गेनिक लाते हैं, जहाँ से वो बनता है वहीं से लेकर आते हैं, क्योंकि मेरा हाथ दुख रहा है यार। हाँ, तो यहाँ से आ रहा है सही थोड़ा। ओके, तो मेरे हस्बैंड का ऐसा है ना कि वो मतलब शॉप पे जो गुड़ मिलता है ना रेडी, वो वाला नहीं खरीदते हम लोग, डीमार्ट से भी नहीं लेते, वहाँ पे भी मिलता है वैसे तो, लेकिन हम लोग लेते नहीं है। और हम लोग है ना जहाँ से बनता है वहीं सब वहीं से लेते हैं, मतलब जो मेरी आंटी है ना, जिनको मैं दिखा चुकी, मेरा सर कैसा हो रहा है यार, मतलब ये कैसा हो रहा है, केप जैसा। ओके, तो मेरी जो आंटी है हर साल हम लोग को वही ला के देते, तो इस बार सोची मैंने कि क्यों ना मैं वो सारा चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि वो कैसे वहाँ पर बनता है, क्या है क्या नहीं। अरे यार, ओके, तो मैंने ये सोची कि आज मैं आप लोगों के साथ में प्रॉपर पूरा एक वीडियो शेयर करती हूँ कि हम लोग जहाँ से गुड़ लाते हैं वहाँ पर कैसे बनता है। उसमें से कई लोगों को तो मतलब पता ही होगा कि ऑफकोर्स कि गुड़ कैसे बनता है, उसका प्रोसेस, बट किसी को अगर नहीं, जिनको नहीं पता होगा, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है आज मैं पूरा बनाने वाली हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये इंट्रो मैं कब बना रही हूँ, जब मैं आ चुकी हूँ गुड़ लेके, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि गुड़ हम लोग ला चुके हैं। इस बार हम लोग ने 15 किलो ही लिए हैं, इनका 20 लेने का इरादा था, लेकिन मैंने मना कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इतना सारा गुड़ अगर ना खा पाए तो, क्योंकि अभी ये ठंड में खाते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको डेली चाहिए होता है। और उसके बाद में फिर अभी मैं तिल गुड़ की चिक्की, लड्डू वगैरह ये सब भी बनाने वाली हूँ, तो इसकी वजह से ना थोड़ा तो धूप पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है यार। हाँ, अभी फोकस हुआ, मैं कब से पढ़ू। ओके, तो है ना, तो ये सारी चीज़ें बन के भी मतलब 1-2 किलो में सब चिक्की लड्डू वो सब तो बन ही जाएगा, बाकी का सब रखा रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से हम लोग खाते रहेंगे। अब तो नौमान भी, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा चखाना है। कल हम लोगों ने वैसे बाय द वे चखाए थे गुड़, और वो बहुत मज़े से खाया था। मैं रिएक्शन उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस टाइम भी बना रही थी, वो मैं आप लोगों को आगे सब बता दूंगी, सारी क्लिप मैं आगे लगा दूंगी। तो मैंने रात में बहुत जल्दी जल्दी से तेल, इनको मतलब थोड़ी सी लाने के बाद में क्रेविंग हो गई कि नहीं अभी अभी खाना है, तो थोड़ा सा तिल रखा था, वो मैंने जल्दी जल्दी से बना ली, तो मैंने शूट करी हूँ, सब कुछ आगे आप लोगों को देखने मिलेगा। और आप भी चलो हम लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मतलब आप लोग जाके सारी क्लिप देखिए जो मैंने वहाँ का बनाई हूँ, जहाँ पर ये जो गुड़ का प्रोसेस होता है, जहाँ पर ये गुड़ बनता है, जैगरी जो बनता है, तो वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं आगे। चलिए गाइस, मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये देखिए गुड़, ये देखिए, तो ये है गुड़ अभी, और ये है ना गाइस, ये 1 किलो का एक पैक ऐसा बना हुआ रहता है, लोग ऐसा देते हैं, और डब्बे में भी मिलता है, मतलब वो कंटेनर प्लास्टिक का होता है ना, उसमें भी आता है, तो वो वाला कैसा है ना, वो रखने के हिसाब से होता है, ये खाने के लिए होता है, उसका थोड़ा प्रोसेस भी बनाने का शायद अलग था, और उसकी प्राइस भी अलग है, और ये अभी खाने के लिए है नॉर्मल। तो ये 1 किलो का एक है, तो ऐसा हम लोग ने इसको 15 किलो लिए है, तो 1-2 तो हम लोग ने रात में ही खोल दिया, यूज़ कर लिया, बाकी ये सारी चीज़ें भी यहाँ पड़ी, इन सबको मुझे अच्छे से इसको रखना है, ताकि ये अच्छे से थोड़े लंबे टाइम तक हमारा गुड़ जो है वो चले। तो ये है बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ हमारे सामने बना हुआ, गन्ने के रस का। तो हम लोग हमेशा यही वाला गुड़ लेते हैं, मतलब हमेशा आंटी ही लाते हैं, जैसा मैंने बताई आप लोगों को पहले, बट इस बार हम लोग ने खुद सारा प्रोसेस देखे है, तो मैं आप लोगों के साथ में ये प्रोसेस जो भी है वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ। तो अब जाकर आप लोग वो सारी वीडियो देखिए।
ओके गाइस, तो जैसा कि देखिए हम लोग पहुंच गए थे यहाँ गन्ने के जो गुड़ बनने की फैक्ट्री में। तो यहाँ पर मैं प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर ये लोग गन्ना वॉश करके रखते हैं और उसके बाद इस गन्ने को देखो इस मशीन में धीरे धीरे करके डाला जाता है। तो यहाँ पर ये लोग बंडल बंडल ही इस तरीके से बना के रखते ताकि ये लोग को यूज़ करने में आसानी हो वहाँ से लाके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर काम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मजदूर यूज़ हो रहे हैं। और ये जो पाइप दिख रही है आप लोगों को, तो यहाँ से गन्ने का जो जूस है वो निकल कर इस कढ़ाई में आ रहा है, इस वाले बड़े से बर्तन में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें होता ये है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा प्रोसेस है जैसा कि, तो ये मैं आप लोगों को घुमा घुमा के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें से जूस निकल के आ रहा है और अभी आप लोगों को ये बिल्कुल काला काला दिख रहा है फर्स्ट वाले बर्तन में। तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर जो है कचरा वगैरह भी आ जाता है उसका, बहुत सारी इसके छिलके वगैरह सब कुछ होते हैं। तो वो सबको ये लोग स्टेप बाय स्टेप हर बर्तन में छान छान के अलग अलग डालते जाते हैं। और ये जो लास्ट का प्रोसेस है ये वाला हमारा, यहाँ पर जब गुड़ रेडी हो जाता है पक के तो वो उसको उस तरीके से छाना जाता है। अब देखिए यहाँ पीछे जहाँ से गुड़ बन रहा है, तो यहाँ जो ये कचरा है इसे ये औरत जो है वो उसको कचरे को अंदर ढकेलती जा रही है आग में, उसी से वो आग जल रही है। ये देखिए ये प्रोसेस, मतलब पहले जो बर्तन है उसके अंदर हमारा रस निकल के आ रहा है, फिर उसको छान के दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है। तो इस तरीके से उस वो बॉयल होता जा रहा है और पकता जा रहा है। तो ऐसा करके यहाँ पर 3 से 4 स्टेप है और उसके अंदर ये गुड़ को पकाया जा रहा है। फाइनल जो हमारा थर्ड वाला दिख रहा है आपको, उसमें से गुड़ जब पक जाएगा तो वो छन कर साइड में से निकल जाएगा। आप लोगों को वहाँ पर दिखाऊँगी मैं आगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये लगाया हुआ है इसका सेटअप। इसमें से यहाँ पर इसके आगे ये लोग कंटेनर डब्बा वगैरह ऐसा रख देते हैं और इसके अंदर ये गुड़ जो है वो कलेक्ट होता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर गुड़ बन रहा है। और ये ऐसा नहीं है, ये जो डब्बे आपको टीन के दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत सारे ऑर्डर वालों के, जो आस पास के गाँव वाले लोग होते हैं ना, उन सबके ऑर्डर आते हैं, वो लोग यहाँ पर डब्बे रख के जाते हैं। स्पेशली उन लोगों का डब्बे में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। और ये जो रेड डब्बे में आपको दिख रहा है वाइट और रेड, तो ये वाला गुड़ अलग होता है। मैंने आप लोगों को जो पहले बताई जो स्टोर करने के हिसाब से होता है 1-2 साल के लिए, वो गुड़ है। और जो मैंने ली हूँ वो थोड़ी टाइम के लिए है, मतलब साल भर में खा लो। और ये देखिए ये पूरा गुड़ गन्ना सूख रहा है, पूरा गन्ना सूख रहा है आसपास, और ये कुछ भी यहाँ पर वेस्टेज नहीं है। यही गन्ने को ये लोग जलाकर इसे पकाते हैं। तो अगर यहाँ के आसपास में कोई अगर लोग हैं जिनको अगर ये लेना है आकर, तो मैं इसका फुल एड्रेस जो है वो यहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आप लोग आकर ले सकते हैं, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी साथ में ऐड कर दूँगी। तो इसी के साथ अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। देखिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू, मतलब चिक्की बनाऊंगी या लड्डू बनाऊंगी देखूंगी। यहाँ पर मेरा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है ऑलमोस्ट, और तिल भी मैंने फ्राई कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, इसमें भी अखरोट भी शामिल करूंगी। तो इसको हम लोग कर लेंगे क्रश और उसके बाद में सारी तीनों चीज़ों को इकट्ठे मिक्स करेंगे। बताती हूँ, ये है ना, ये बस नौटंकी कर रहा है, कुछ मत बनाने दे देना। अभी फटाफट से काम कर रहे हैं, देखो ये क्रश हो रहा है, बस इतना ही मुझे क्रश चाहिए ये, ताकि इसके अंदर ये मिक्स हो जाए। इसमें मैं अखरोट भी मिक्स कर रही हूँ और इसका रोना चालू है, नौमान ए नौमान। और देखो यहाँ पर सब ये पड़ा हुआ है और अभी टाइम देख सकते हैं रात के 11:30 बज रहे हैं। चलिए फटाफट शूट करती हूँ मैं। तो देखिए अभी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इतना ड्राई फ्रूट हुआ है, अखरोट काजू बादाम, और नौमान की आवाज़ तो आ ही रही होगी। और दोनों प्लेटों में मैंने जो है अभी घी लगा दी हूँ, दोनों में लगा देती हूँ। तो गाइस देखिए लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं, मैं बताती हूँ। ये देखिए इसमें देखिए ड्राई फ्रूट भी दिख रहा है जो हम लोग ने क्रश करके डाले थे। इसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और तिल थोड़ा कम रह गया था, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाएंगे। तो बन चुकी है हमारी फटाफट से तिल गुड़,
चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।